तो भाई सब खजूर खा रहे हैं, ये देखो। तो खजूर से स्टार्ट करते हैं भाई। ये जो आप देख रहे हैं रोजे के बाद हमारी है, ये जमात हो रही है जिसको हम लोग कहते हैं मगरिब की। तो सायरन बज चुका है, ईद मुबारक आप सभी को। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:30। अरे भाई गाइस सोच के क्या से दिल खुश होगा। सौरभ भाई खास तौर पर हाजिर आपकी बारगाह में फ्राइडे वाले दिन। यो 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 मेरे इसने कसम खा लिया है कि महीने में 27 दिन 26 दिन नहीं आया भाई। देखो तुम अच्छे जगह पर ले जाते रहे हो, लास्ट 2-3 दिन से फिर नहीं आए। चोट लग गई भाई, इस तरह करवाया भाई, देख लो सबूत नहीं है भाई। भाई सर बीमार, ये ठोकता ही है, नसीब इसको होते हैं। क्या करूंगी, इसके बहाने भी रेडी रहते हैं वैसे। ओ भाई साकेत कोर्ट में फायरिंग हो रही है भाई, साकेत कोर्ट में फायरिंग। भाई ये क्या हो गया, केशव भाई के पास जाऊं क्या? साकेत कोर्ट लाइव चल रहा है, लाइव है, लाइव। अरे भाई केशव भाई को फोन करता हूँ मैं फटाफट। हेलो हेलो, अबे क्या चल रहा है कोर्ट में भाई? क्या चल रहा है, क्या हो गया? अबे न्यूज़ नहीं देखी तुमने? देख ली भाई, सामने की बात है। तुम्हारे सामने की बात है भाई, मेरे को भी दिखा दो स्पॉट यार। क्या करना है तुम्हें? व्लॉग बनाऊंगा। अबे साले मान जा भाई, मान जाओ। अरे पता नहीं कुछ सुनने में आ रहा, कोई एप्पल बंदा था, ये तो सस्पेंडेड था। अब वो एडवोकेट की ड्रेस में था, लटकाए वाज इन एडवोकेट ड्रेस, ठीक है। और उस बंदे ने किसी लेडीज के ऊपर फायर किया है। अब देयर आर एन नंबर ऑफ आर्टिकल भाई, कुछ कह रहे हैं कि उसकी वाइफ थी, कुछ कह रहे हैं एक्सटॉर्शन का केस है, कुछ कह रहे हैं क्या है पर्सनल केस, फैमिली मैटर है, क्या है। तो अभी वो चीज क्लियर ही नहीं है कि क्या रीजन था। अच्छा वो सस्पेक्ट पकड़ा गया अभी या नहीं? भाग गया भाई वो, अभी तक तो फरार है। ये चल क्या रहा है लोगों में से भाई, प्रशासन का डर तो ऐसा निकल गया है। तो भाई टेंशन मतलब बंदा ही पकड़ा जाए, केशव भाई कह रहे हैं। बट भाई ऐसे काम मत ही करा करो भाई, क्योंकि देखो आप ये जो गंदी हरकत गलत हरकत करते हो ना भाई, पुलिस के हाथों से एक चीटी भी नहीं बचती है। आजकल की पुलिस बहुत एडवांस है भाई, और बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकारी लोग जितने भी अच्छा काम कर रहे हैं। अक्षत काम गया, अक्षत ये ना कह रहा साकेत फोन चला गया या उसकी स्कूटर उठा ली। वो साकेत फोन चला गया है, मैं न्यूज़ देख रही थी, वो बोला कि मैंने कल न्यूज़ में ऐसा हो रहा है। हाँ। तो बोला मैं देख के आता हूँ। अब वो है ना अपना खड़ी करी है ना, वहाँ पे पार्किंग थी ही नहीं, फुल थी सारी, मैंने जरा सी इधर खड़ी करी, उसकी मेरी गाड़ी में लग गई। और मैं फटाफट निकल रहा हूँ क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा है, और मेरे को इफ्तारी करने के लिए इनविटेशन आया आज। ठीक है माता जी, मिलते हैं, बाय बाय। अभी अपन आ गए हैं इफ्तारी के लिए सामान लेने, क्योंकि मेरा ही फर्ज बनता है भाई, एक इंसानियत के नाते। देखो धर्म वर्म को अपन इस व्लॉग को साइड रखेंगे, और ना मैं चाहता हूँ कि भाई धर्म से रिलेटेड इस वीडियो पे कमेंट है। एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है, और भाई एक बंदा जो फास्ट रख रहा है पूरे दिन, अगर उसको हम अपनी जेब से खिलाएंगे तो दुआ लगती है। और एक इंसानियत होती है, एक इंसान को इंसान की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, धर्म देखे बिना। ये आ गया हमारा इफ्तारी का सामान, ले ले बल्ली। मेरी जेब में अभी जितने रुपए थे मैंने उतने का ले लिया भाई, आप ही रख दे भाई। अभी हमको इनविटेशन आया था चेयरमैन दरगाह शरीफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरफ से, जो सर हैं सैयद अफसर अली निजामी, तो सर ने मेरे को इनविटेशन भेजा था। देखो आप, ये चेयरमैन साहब हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह के, तो इन्होंने कहा आ जा गौरव। हम वैसे मिलते रहते हैं दिल्ली में, कोई ऐसे इवेंट नहीं जहाँ ये जाते नहीं हो, तो हम इवेंट हो अक्सर मिलते रहते, तो वहाँ से हमारी काफ़ी दोस्ती हुई और अच्छी दोस्ती है, तो सर की बड़ी इज्जत है। तो भाई अभी अपन आ गए हैं दरगाह में, और ये देखो नज़ारा दिखाता हूँ हजरत निजामुद्दीन के दरगाह का। तो भाई अभी हम अंदर आ गए हैं, ये दरगाह चालू हो जाती है, और देखो कुछ मेरे को ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ गलत निकल जाए मुझसे तो माफ़ करना। तो ये दरगाह की जो गली है वो है। अभी अपन मिलने हैं सैयद अफसर अली सर से, और ये यहाँ के चेयरमैन हैं। तो सर बहुत थैंक यू आपने मेरे को इनवाइट करा, तो मैं चाहता हूँ सर थोड़ा दरगाह का थोड़ा दिखाएँ और क्या क्या चल रहा है।
देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि गौरव भैया आज जो है लास्ट जुम्मा है और ये हमारे सबसे स्पेशल जुम्मा है, इसको हम लोग कहते हैं आज जो जुम्मा है ये अलविदा जुम्मा है। अच्छा, यानी कि इससे जो पहले जो जुम्मा आता है इसको हम लोग कहते हैं अलविदा जुम्मा। अच्छा सर, तो ये आज अलविदा जुम्मा है और ये आखिरी रोजा भी है रमजान शरीफ का, यानी आखिरी दिन भी है, कल से इंशाल्लाह ईद भी है। और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह जितने भी हजारों जायरीन यहाँ दरगाह के अंदर यहाँ रोजा खोलते हैं, इसमें जरूरी नहीं है मुसलमान हो हिंदू हो, यहाँ सारे धर्म के लोग बैठते हैं माशाल्लाह, इसमें सिख भी है ईसाई भी है, मैं आपको दिखाता हूँ सरदार भी हैं। अरे वाह, तो सब यहाँ पर हजरत के आसने में रोजा खोलते हैं। ये सब जो है दरगाह हजरत महबूब इलाही के आसने से होता है। अच्छा, ये पूरा इंतजाम होता है, इसके अंदर एक अफ्तारी की प्लेट, बिरयानी की प्लेट, शरबत, पानी का गिलास, ये सब जैसे जैसे जो बैठा हुआ उनको बैठे बैठे माइट्री वैसे मिलता है। तो भाई ये देखो ये चल रही है, साइड सारे मेल हैं भाई और पीछे साइड सारे फीमेल बैठे हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सारे बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे। ये देखो ये मिला इन्हें, जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह बाबा के दरबार में। हाँ, ये देखिए एक एक प्लेट माशाल्लाह बिरयानी इसके साथ शरबत। हाँ, बिरयानी ये सब दरगाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से मैं इनके व्हाट्सएप स्टेटस देखा, आप डेली करते थे ना? हाँ, डेली माशाल्लाह बाबा के दरबार में होता है, पूरे 30 दिन होते हैं बाबा के दरगाह के अंदर, पूरा अफ्तारी का शरबत का सारी चीज़ें ये देख रहे हैं। जैसे अंदर ये पैकिंग ये पूरा फिर बाहर जाता है सारा, फिर बाबा की तरफ बड़े बाबा में बैक साइड में है, अब ये मस्जिद भर जाएगी, ये वाली मस्जिद भर जाएगी, ये सारा किया सारा पूरा इंतजाम माशाल्लाह। नमाज तो उसके बाद होगी, अभी रोज़ा खुलने के बाद फिर 5 मिनट के बाद नमाज होगी। अभी बज रहे हैं 6:30 और दुआ का टाइम होने वाला है, तो अभी चलते हैं अपन ऑफिस, सर के ऑफिस, और अपन वहीं से करेंगे इफ्तारी। अभी दुआ का टाइम हो रहा है, सारे खड़े हो जाएंगे और दुआ करेंगे भाई, हम भी दुआ करेंगे। आपकी बारगाह में आपके आसरे के अंदर हुजूर, ये सब लोग आपकी बारगाह में खड़े हैं हाथ उठा के हुजूर, खासों से जुम्मे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन आपके दरबार। गाइस अभी 6:30 बज रहे हैं और ये इसको कहते हैं दुआ, तो अभी होगी दुआ, अब रोजे खुलेंगे। तो अफसर सर के सबसे बड़े भाई यही हैं हमारे, सैयद औसाफ अली निज़ामी, तो ऑफिस में कभी कभी अपने को ये भी देख जाएंगे। अभी सर अभी अंदर भी ले जाएंगे हमें और अभी इफ्तारी करते हैं अपन। जैसे मैं आपको बताऊँ इफ्तारी करते क्यों हैं, क्या महत्व होता है बताओ। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो महीना जो है ये रमज़ान का महीना है, और ये जो अफ्तारी जो मामला है ये है इसलिए है कि हम जो मुसलमान होते हैं रोज़ा रखते हैं, और सुबह हमारी जो है 3 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग सेरी करते हैं, और फिर 4 बजे के बाद 4:15 के बाद उसको हम लोग जो है सेरी बंद कर देते हैं, यानी कि हम खान पी नहीं सकते। तो इसमें जो है 5 टाइम की नमाज होती है, सुबह फजर की, जहर की, असर की, मगरिब की, फिर ईशा की। अब जो टाइम है वो ईशा मगरिब की नमाज़ का टाइम है, तो मगरिब की नमाज़ से 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले हमारी इसी तरह दस्ताना लगता है, और जितने भी हमारे माशाल्लाह मेरी बहनें मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भाई हैं, तो हमारी सबसे पहले जो है खजूर से हमारी ये रोज़ा खुला जाता है। अच्छा, हाँ, मेन हमारी खजूर है, जो खजूर से पहले रोज़ा खुलता है, इसके बाद जो है फिर आप कुछ भी खा सकते हैं। तो जैसा आपने दस्तखन पे देखा इस तरह से बैठे हुए सारे लोग, ये सिर्फ वो वेट कर रहा है कि जब रोज़ा का जब हमारे यहाँ साइलेंस होता है, अजान होती है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये रोज़ा खुला जाता है। अब खजूर खा रहे हैं, ये देखो, तो खजूर से स्टार्ट करते हैं भाई। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है, यहाँ फ्रूट चाट है, खजूर है, पेप्सी है, केले हैं। ये जो आप देख रहे हैं रोजे के बाद हमारी है ये जमात हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं मगरिब की नमाज़। अच्छा अच्छा अच्छा, मगरिब की। तो रोजे के खुलने के बाद जो है फौरन जमात होती है। बोलते क्या है इसको? इसको मंदी कहते हैं भैया, मंदी। ये असल क्या है, ये ज्यादा जो है दुबई में और सऊदी में चलती है ज्यादा। अच्छा, तो इसमें है क्या क्या सर? इसके अंदर चिकन है, मटन है, कबाब है, अंडे है, किशमिश है, काजू है, राइस है, सायरन बज चुका है, ईद मुबारक आप सभी को। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:30,
7:30 पे एग्जैक्ट देखो भाई। सर ईद मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भैया। ईद मुबारक जो है वो तो कल है ईद। अच्छा अच्छा। मगर आज जो है वो चांद रात है। अच्छा। ईद की जिसको अच्छा, कहते हैं चांद रात। चलो ये जो है एक साइलेंस बजता है एक खुशी का कि हाँ भाई जो है अब ये रमजान खत्म हो गया और कल जो है वो ईद हम लोग बनाएंगे। अच्छा। खुशी के साथ जिसको हम लोग कहते हैं मीठी ईद संयम वाली हुई। क्या बात। तो इसलिए सायरन बज रहा है। अरे आप सभी को मुबारक। आप सबको मुबारक। ईद का रियान बहुत बहुत मुबारक। देख रहे हो भाई दरबार में कितनी इज्जत दी तुम्हारे भाई को। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है कि भाई यहाँ पे इंसानियत मानी जाती है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा नेचर है भाई सबका। और ये देखो भाई सारे लगे लाइन में भाई। आज है चांद की रात और देखो भाई पटाखे वटाखे फूट रहे हैं। तो भाई सबके पेट भर चुके हैं और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सबके चेहरे पे खुशी देख के। तो अभी चल रही है कवाली उस साइड। तो अभी आपको कवाली दिखाता हूँ। ओ भाई मीडिया वीडियो वाले भी आ रखे हैं। तो देखो छोटा बड़ा नहीं है तो अरे भाई का स्कूल की क्लास है दिल खुश होगा। लग सो बेटा तो सर ने अभी ये इतर दिए हैं इतर एक नंबर है भाई। मजा आ गया भाई। अब ये लगाऊंगा मैं और ये ला के मैं ब्लॉग बनाऊंगा। हाँ भाई छोटे क्या बात है। तो भाई अभी अंदर मत्था टेकने चल रहा है। अच्छा देखो भाई ब्लॉग में हेलो बोल दो। हेलो निजामुद्दीन सबसे बड़ा दरबार है। ये बाबा की ब्लेसिंग का डोरा है दरबार का। इंशाल्लाह ये बाबा के दरबार का डोरा है। जो भी नज़र भला बीमारी सब दूर होगी इंशाल्लाह। हमेशा खुशी कामी भी होंगी और जो भी नज़र है सब इंशाल्लाह हमेशा खुशी के लिए ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर ने इतने अच्छे दर्शन कराए मेरे। तो भाई दरबार में हम मत्था टेक के आ गए और इतना पॉजिटिव फील हो रहा है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं। सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इतने सर ने। थैंक्स इस बात का भाई मेरे की गाथा बस अल्लाह खुश रखे सर ने टाइम दिया। बस मैं दुआ करता हूं कि बाबा की ब्लेसिंग से अल्लाह और नवाजे आपको हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़ा नाम लेके फिर दोबारा। अरे भैया आराम से। तो भाई अभी निकल रहे हैं सब्सक्राइबर मिल गए तो भाई खुश होगा। ओके बच्चों बाय बाय। तो भाई अभी मैं घर जा रहा था और मैं कमेंट पढ़ रहा था। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी ना यूजर ने मेरा gaurav_zone_ अगर जिसने फॉलो नहीं करा कर लेना। तो मेरे को देखो भाई ऐसे धमकी वाले मैसेज आ रहे हैं। अब तुम अभी सब्सक्राइबर गिरवाओगे। भाई क्यों गिरवाऊंगा क्या गुनाह भाई। किसी की खुशी में मैं शामिल हो गया या किसी को इफ्तारी मैंने अपने तरफ से अपनी जेब से करवा दी। कोई पूरे दिन फास्ट कर रहा है अपनी जेब से उसको खाना खिलवा दी क्या बुरा काम कर दिया भाई मैंने। भाई इंडिया में ना ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है भाई। कोई देख एक बंदा कह रहा है ब्रो शेर है अपना भाई। एक बंदा तारीफ कर रहा है ठीक है। ये देखो एक बंदा कह रहा है अबे साले तू हिंदू है। हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं बट एक बंद बुरे लोग से किसी धर्म को बुरा बोलना अच्छा अच्छी चीज़ है क्या ये। तो भाई अभी अपन चल रहे हैं गली में अपारखेड़ा भाई भाई की आगे भाई वार्डरोब। ओहो भाई ट्रैक सूट टांगे हुए भाई ने। भाई मैं आया था तो मैंने वार्डरोब पे जीन्स ही देख लूँ भाई। इन पर तो ज़ारो से ही बढ़िया जीन्स है भाई। ये देखो क्या सही लग रही है भाई एक नंबर की फिटिंग है। ये देखो भाई क्या क्वालिटी है बॉस। पीछे भी एकदम डिजाइन है बढ़िया भाई। एक बार जिगर के चल लो बताओ कैसी है। बट इसकी ना थोड़ी कटिंग करानी पड़ेगी पैरों में ना थोड़ी लंबी है इसकी थोड़ी फिटिंग करानी पड़ेगी भाई। चौड़ी भी ज्यादा लग रही क्या बोलते करा दोगे टेलर तो भारी बैठा रखा तुमने। बढ़िया भाई बढ़िया चल रहे ना आज पार्टी में। भाई सामान देने जाना है भाई रहने दो यार पार्टी में चल लो भाई। तो भाई सीन ऐसा है अभी अपन ने ना ये वाली जीन्स पसंद आ गई तो अपन ये वाली जीन्स ले रहे हैं ठीक है। तो भाई फाइनली हम गिव अवे में दे रहे हैं दो आइटम जो कि क्या क्या है भाई। एक एप्पल वॉच है आपकी अल्ट्रा और दूसरा है आपका इसका डब्बा मांगे भाई इसका डब्बा भाई कस्टम है
भाई कस्टम में रह गया भाई क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं। वॉच बिल्कुल ब्रांड न्यू है भाई, क्योंकि भाई मैंने एप्पल वॉच अल्ट्रा ली थी, सब्सक्राइबर कह रहे थे भाई हमारे लिए भी कुछ करो, तो मैंने ठीक है भाई ये स्पोर्ट्स ब्रांड है इसका। अच्छा अच्छा, मेरे साथ में चार्जर है। चार्जर तो ये पहला आइटम हो गया पहले विनर को, और जो दूसरा विनर है कौन सा है भाई? ये 14 प्रो है ब्लैक कलर 256 GB। तो ये दो आइटम अपन कर रहे हैं गिव अवे, और गिव अवे अपन ऐसे कर रहे हैं देखो, अगर आपको ये आइटम जीतना है भाई, हाँ तो भाई तीन चीजें हैं भाई गिव अवे पे जीतने के लिए। ये गिव अवे कर रहा हूँ मैं खाली इंस्टाग्राम के लिए, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, ये रहा यूजर नेम। जब इंस्टाग्राम पे मेरे 7 लाख फॉलोअर हो जाएंगे ना भाई, अभी कितने रह रहे हैं 16,000 रह रहे हैं, 684 समथिंग है, तो 7 लाख पे अपन गिव अवे अनाउंस करेंगे ठीक है। और ये जो आइटम मैं ले रहा हूँ वार्डरोब से ले रहा हूँ, कहाँ पे? ये मदनगीर में भाई। कभी आपको कुछ आईवी आइटम लेना है तो बहुत सस्ता देता आदमी है, बहुत सही चीज़ें देता है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। इनका दुकान का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन्हीं से आइटम खरीदे मैंने, इन्होंने मंगा के दिए। तो फटाफट से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो डाली हुई है, इस पे कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दो, क्योंकि इन्हीं कमेंटों में से मैं विनर्स ये दो उठाऊंगा ठीक है, जिसका अच्छा लगेगा। और जो विनर हम निकालेंगे वो 7 लाख पे निकालेंगे जब इंस्टाग्राम पे 7 लाख फॉलोअर हो जाएंगे ठीक है। तो फटाफट से फॉलो करो, वहां पे कमेंट करो, मिलते हैं। तो दुकान पे रखो अपने पास, तो जो विनर होंगे ना भाई इन्हीं की दुकान पे अपन बुलाएंगे और वीडियो बनाएंगे गिव अवे करते हुए, तो इन्हीं की शॉप पे मैं बुलाऊंगा आपको मदनगीर में। तो जब तक इन्हीं के पास आइटम रखवा रहा हूँ भाई, संभाल के रखना है। थैंक यू यार अपार भाई, आई लव यू यार। तो भाई मास्टर जी से सिलाई करवा रही है जींस में। मास्टर जी लेंदन आपको गाइस, हमारा जो मकान था ना वो हमने लड़कियों को किराए पे देना था, तो लड़कियों ने जो पैसे दिए वो ब्रोकर को दिए, और ब्रोकर ने पैसे खा लिए। नहीं उठा रहा वो, उनका फोन नहीं उठा रहा, उन्हें एडवांस दे दिया, मकान हमारा उठ गया किराए पे, अब वो शिफ्ट होने कह रही है तो फोन नहीं उठा रहा। बस मैं कल 12 बजे तक करूँगा आपका, तो उनके मतलब क्या करें यार, घर दे दो अभी के लिए, अभी आपको 10,000 दे देते। कौन है मैडम, एक बात बताओ, ये आप पे नंबर है उसका, मेरे को नंबर दोगे आप? ठीक है मैं आपको नंबर देती हूँ। अरे वही तो नंबर है जिस पे बात हो रही है अभी। नंबर है, है आप पे, कौन है, नाम क्या है? मैं जरा एक बारी बात करता हूँ उससे अपने तरीके से। ना वो अब तो पानी नहीं रहे, वो तो बिल्कुल बात ही पलट रहे, कह रहे कि मैं 5,000 कल आपको दूंगा। उसकी कितनी कमीशन बनती है? उसकी इनको कमीशन 5,000 मांगी है उसने, इनसे बनती है, हमसे नहीं बनती। हमारे एडवांस में से उसने कमीशन काट लिया, मतलब उस बंदे ने कमीशन पहले ले लिया और इन लड़कियों को धक्के खाने को छोड़ दिया। सो गाइस अभी रोटी और पनीर की दाम, मटर पनीर थी और कॉफी है, तो ये सारा खाना खा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक ज़रूर कर देना। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ पार्टी करने, तो उसको बनाएंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग। भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, 5 मिलियन करा दो, गिव अवे ऑन है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मैं तो इतना तो सपोर्ट बनता है भाई, एक लाइक भी कर देना।